हेलो फ्रेंड्स, टुक्कुस किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फरहरी आलू, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी है। और इसके साथ हम बनाएंगे मखाने की खट्टी मीठी रायता। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देहाती तरीके का फरहरी आलू, जिसके लिए हमने 2 चम्मच बढ़िया सा घी ले लिया है। और इसके लिए हमने पहले से आलू बॉईल करके मोटे मोटे कट करके रख लिए हैं। आलू को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, 80% तक ही बॉईल करके मोटा मोटा कट कर लें। हमारा घी हो गया है गरम। अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्ची, जितना आपको तीखा पसंद हो उतना डालें आप। हरी मिर्ची हो गई है, अब इसमें डालेंगे आलू अपने और इसको बढ़िया से करेंगे हम घी में मिक्स। मेरे आलू 5 मिनट फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम काली मिर्च का पाउडर। इसे मिला के हम ढक के 5 मिनट और पकाएंगे, ताकि नमक और काली मिर्च का पाउडर एक में अच्छे से मिक्स हो जाए। अपने चटपटे आलू के साथ बनाएंगे दही की खट्टी मीठी रायता, जो कि मखाने से बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 चम्मच ले लिया है घी। इसमें डालेंगे हम मखाना, जो कि हम इस मखाने का खट्टा मीठा रायता बनाएंगे, जो कि आलू के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी लगता है। ये देखिए हमारे आलू कितने बढ़िया फ्राई हो रहे हैं, नीचे गोल्डन हो गए हैं। इस स्टेज में हम डालेंगे इसमें नींबू का रस और हरी धनिया। ये हमने डाला धनिया, 1 नींबू का रस, जो कि हमारे आलू को चटकारेदार बनाएगा। देखिए हमारे आलू हो गए बनकर तैयार, और इसको 2 मिनट ऐसे ही खुले ही हम और थोड़ा क्रिस्पी कर लेंगे। बस फ्राई, अब इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इनको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। ये हमने ले लिया 1/2 किलो बिल्कुल फ्रेश दही, ना कि ज़्यादा खट्टी है और ना ही ज़्यादा मीठी, नॉर्मल दही है। अब इसमें हम डालेंगे अपने मखाने, इसी में मिक्स। और अब इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से भुने जीरे का पाउडर, थोड़ा डालेंगे भुना कुटा हुआ लाल मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर। अब डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। इन सबको करेंगे खूब बढ़िया से मिक्स हम। देखिए हमारा मखाने का रायता बिल्कुल बन के हो गया तैयार। अब आलू के साथ इनका चटकारा लगाया जाए। अब इसको ऊपर से हम हल्का सा गार्निश कर देंगे। थोड़ा सा डाला हमने जीरा पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, बस। ये देखिए हमारा खट्टा मीठा मखाने का रायता हो गया बन के तैयार। इधर हमारे आलू भी हो गए हैं तैयार,